हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जिसको आप ट्रैवलिंग में आराम से बनाकर ले जा सकते हैं जब कभी आप जाते हैं। और इसमें सिर्फ आपको गर्म पानी डालना है और ये रेडी हो जाएगा। एक तरह से पोहा का प्रीमिक्स बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम ये पोहा लेंगे और इसे गीले कपड़े से अच्छे से इस तरह से हमें पोंछ लेना है। जैसे हम धोते हैं पोहा तो इसमें काफी गंदगी निकलती है, तो हम गीले कपड़े से इसे पोंछ लेंगे अच्छे से। हम कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे राई, इसके साथ ही हरी मिर्च कटी हुई और कुछ मीठा नीम। यहाँ ध्यान रखना है कि हरी मिर्च और नीम अच्छे से पक जाए, उनका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो हमारा पोहा खराब हो सकता है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये पोहा जो कि हमने पानी से पोंछ लिया था गीले कपड़े से। अभी जैसे ये पोहा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर जब हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो ये दिखने में भी थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। हमें इस पोहे को अच्छे से सेक लेना है करीब 2 मिनट। मुझे पोहा में थोड़ा तेल ज्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पोहा और बढ़ा दिया और आप देख सकते हैं पोहा थोड़ा छोटा छोटा दिखने लगा क्योंकि ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। क्योंकि पोहा गर्म है तो नींबू का रस अपने आप इसमें सोक कर जाएगा पोहा, और पोहे को थोड़ा भून लेंगे जिससे उसमें गीलापन ना रहे। शक्कर, नमक और नींबू तीनों ही पानी रिलीज करेंगे, तो इसको हमको भून के एकदम सूखा बना लेना है। सिर्फ 1 मिनट आप भूनेंगे तो ये सूख जाएगा। तो ये हमारा पोहा बन के रेडी है। अब इसे बनाना कैसे है मैं ये बता रही हूँ। इसे आप जब भी कहीं जाते हैं इस तरह से आपको डिब्बा कैरी करना होगा, बस आप इसमें इस तरह से पोहा डाल दीजिए। और जैसे हम होटल में रुकते हैं वहाँ गर्म पानी की कैटल्स होती हैं, आपको पानी उबाल लेना है और इसमें गर्म पानी डाल देना है। पानी बस पोहे की सतह से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। हमने ये पोहा ट्रेन में भी बनाकर खाया है। ये इस तरह की कैटल्स होती हैं, तो ये कैटल हम ट्रेन में कैरी कर लेते थे और हम ट्रेन में भी इस तरह से पोहा बना लेते थे। पानी डालने के बाद हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये पोहा फूल जाएगा। तो ये हमारा पोहा बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं फूल गया है, और एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको पानी का अंदाज अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे सेव और अब आप इसे एंजॉय करें। बहुत टेस्टी पोहा बनता है ये। नमक शक्कर आप एक बार चख लें, आप जिस हिसाब से खट्टा या नमक खाते हैं। जाने के पहले बनाकर एक बार बनाकर खाकर देख लें। और इस तरह से हम इसकी पैकिंग कर सकते हैं। मैं इस तरह से पैकेट्स बनाकर ले जाती हूँ और एक इस तरह का कंटेनर ले जाती हूँ जिसमें हम बना सकें। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करने जाएं इस तरह का पोहा जरूर लेकर जाएं। और इंडिया में तो ठीक है, लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ हमें अपना मनपसंद नाश्ता नहीं मिलता। तो अगर इस तरह से पोहा खाने मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे इस तरह के और बहुत सारे वीडियो हैं कुकिंग के, आर्ट एंड क्राफ्ट के। आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।